नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम श्याम है, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ईसीएम रीड करने वाले हैं केटा की मदद से। और हमारे पास आज ईसीएम है स्कोडा लॉरा का ऑटोमेटिक वाले का, स्कोडा लॉरा ऑटोमेटिक ईडीसी 16U34। यहाँ पर मैं आपको पार्ट नंबर इसका दिखा देता हूँ। चलो, मैं इसमें कनेक्शन लगे हैं, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, EDC 16U34, ये ECM है और इसे रीड करेंगे हम लोग केटा की मदद से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें कनेक्शन लगाने हैं कुछ इस तरीके से। इसका ये वाला जो प्रोग्रामिंग पैड है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो चार पॉइंट है 1 2 3 4, सेकंड इससे दिखाता हूँ, अभी आपको क्लियर दिखेगा। ये 1 2 3 4, ये जो चार पॉइंट है ये आपको छोड़ देने हैं, बाकी के ये सारे पॉइंट हैं 3 और 2 5 5 और 5 10। ये 10 पिन आपको इस टाइप का जो हेडर आता है ये वाला, इसमें आपको अटैच करनी है 10 वायर। और ये वाला जो रिबन केबल है, ये वाला, इसके थ्रू अपने केटक से इसे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको केटक को पावर देनी है यहाँ से, और ये अपना यूएसबी केबल हो गया बस। इसके अलावा इस साइड में आपको कुछ भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसमें इधर कुछ भी कनेक्ट नहीं है। ये इसका बोर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इसका बोर्ड। और ये सारे हमारे कनेक्शन लग चुके हैं, पावर मैंने दे दी है। और उसके बाद चलते हैं अपने लैपटॉप पर। तो दोस्तों, यहाँ पर दो वर्जन मैंने इंस्टॉल करके रखे हैं, 2.23 2.25। तो मैं ओपन करता हूँ 2.23 को, ये मेरा नेट वाला वर्जन है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट अगर होता भी है तो, पहली चीज़ तो अपडेट नहीं होगा, और अगर अपडेट होता भी है तो केटा ख़राब नहीं होगा। अगर आप पुराना वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो नेट आपका डिस्कनेक्ट होना चाहिए, मेरे में कनेक्टेड है। तो ये हमारा केटक ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ से प्रोटोकॉल्स, और यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको EDC 16 प्लस बैक। मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करते जाना है धीरे धीरे। ये हो गया आपका EDC 16 प्लस बैक, ये इस पर मैंने एंटर की क्लिक किया। और उसके बाद यहाँ से आपको करना है ओके पर क्लिक, ओके पर क्लिक कर दिया, से स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आप कनेक्शंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कनेक्शन दे रखे हैं, इसमें दो हार्डवेयर में, दो हार्डवेयर वन जो कुछ इस टाइप का है। हार्डवेयर मैच नहीं करेगा लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी ये वाला हार्डवेयर थोड़ा थोड़ा इससे मैच कर रहा है, लेकिन है ये भी डिफरेंट। और दूसरा इसमें हार्डवेयर दे रखा है एक, ये वाला हार्डवेयर सेकंड हार्डवेयर, ये वाला भी टोटली डिफरेंट है, हार्डवेयर डिफरेंट है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली जिस तरीके से कनेक्शन मैंने लगाए हैं उस तरीके से कनेक्शन लगाने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि केटेक इसका प्रॉपर हार्डवेयर नहीं दे रहा है जिसके थ्रू हम कनेक्शन लगाएं। लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग पैड है ये सब में कॉमन है, ये वाला जहाँ पर मैंने कनेक्शन दे रखे हैं, ये सब जितने भी EDC 16 वाले ECM हैं उन सब में ये प्रोग्रामिंग पैड कॉमन है, और यहीं से इसका रीडिंग होता है। लेकिन आपको प्रोटोकॉल अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा आपका ECM कौन सा है, उस हिसाब से आपको प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद सेलेक्ट करता हूँ मैं नंबर वन को, P67। नंबर टू को चेक करते हैं और नंबर थ्री को चेक करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको ये वाला सेलेक्ट करना है P67, और यहाँ से आपको करना है ओके। ये बैकअप पर टिक लगा रखा है, अगर आपको कोई इंडिविजुअल इसमें से कुछ रीड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे फुल पर क्लिक करता हूँ और करता हूँ यहाँ से रीड। रीड पर मैंने क्लिक कर दिया, अभी ये रीडिंग मोड में जाएगा। ये आप देख सकते हो रीडिंग डिवाइस इन्फो,
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसने रीड करना स्टार्ट कर दिया है, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन मान सकते हैं आप 4 मिनट का टाइम लग सकता है, 3-4 मिनट का। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस है इसे रीड करने का। रीड करना काफ़ी आसान है, राइट करना भी काफ़ी आसान है, सिंपली प्रोसेस वही है, लेकिन मेन चीज़ है इसमें कनेक्शन। ये कनेक्शन आपने अगर प्रॉपर तरीके से लगा लिए तो आप कर पाओगे। इस टाइप के हेडर तो आपने देखा होगा जब आप केटेक परचेज़ करते हैं तो ये मिलता है उसके साथ। ये मैंने थोड़ा गोंद वगैरह लगा के इसे बनाया है ये सारे वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50% इसने रीड कर लिया है। मेरे बहुत सारे भाई हैं जिन्हें दिक्कत रहती है, कई लोगों के मेरे पास कॉल भी आए हैं कि ये ECM रीड करने में थोड़ी तकलीफ है। ऑलमोस्ट होने वाला है ये, एट्टी थ्री परसेंट। तो दोस्तों इस तरीके से आप EDC 16 सीरीज वाला ECM रीड ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।